तो नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीक आने वाला वीक क्या एक बहुत बड़ी रैली की तैयारी कर रही है? क्या मार्केट अब यहाँ से लाइफ टाइम हाई बनेगी या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगी? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए 24823 पे क्लोजिंग दिए हैं फ्राइडे के सत्र में, किस तरह से सुस्त कारोबार हुआ है, कहीं तेजी कहीं भी मंदी नहीं थी, फ्लैट कारोबार, मात्र 11 पॉइंट बढ़ के निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। निफ्टी बैंक 52 पॉइंट बढ़ा है और 50,933 पे बंद हुआ है। बजाज ऑटो, कोल इंडिया, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स, सन फार्मा जैसे दिग्गज हैं जो मार्केट को ऊपर खींच रहे थे, ये 2 से 5% तक ऊपर खींचे हैं। L&T Mindtree, Wipro, ONGC, एशियन पेंट, टाइटन जैसे दिग्गज हैं जो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हुए, 1 से 2% तक यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ऐसे में क्या रणनीति नेक्स्ट वीक होनी चाहिए, मार्केट क्या कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। वीकली चार्ट के आते हैं निफ्टी का, तो आपको दिखेगा कि किस तरह से मार्केट में रिएक्शन देखने को मिला है। एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग हुआ है, 24823 में आके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ये अपने लाइफ टाइम हाई से कुछ ही दूरी पे है, मात्र 200 पॉइंट का दूरी है। और ये क्या 200 पॉइंट का दूरी नेक्स्ट ही यानी सोमवार को ही जब मार्केट खुलेगी कल, तो क्या ये यहीं पे तुरंत ही ये कवर कर लेगा और क्या इसके ऊपर अब जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 24823 पे क्लोजिंग दिया है, ये 24823 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्लियरली यहाँ दिख रहा है। 24823 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ दिख रहा होगा मल्टीपल वीक यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस लिया है और यहाँ सपोर्ट भी लिया है, तो नीचे देखिए रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम किया है और यहीं पे क्लोजिंग दिया है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है जैसे कि निफ्टी दिखा रहा है, करीब करीब 100 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे तो ये 25,000 का तैयारी कर लेगा और 25,000 इजिली अचीव कर लेगा। लेकिन यहाँ अगर सस्टेन करना जरूरी है, अगर सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। इसलिए अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बन जाता है, किसी भी रीजन से नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब एक गिरावट भी पॉसिबल है और ये फिर 24663 की ओर निफ्टी को ले जाएगा, ये वीकली चार्ट में क्लियरली दिख रहा है। अब आते हैं डेली चार्ट में, डेली के किस तरह से टाइम फ्रेम में बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है कि जो गैप था, ये गैप डाउन जो हुआ था, इस गैप डाउन को फिलअप कर लिया। अब यहाँ भी एक गैप डाउन हुआ है, इसको फिल करने की तैयारी चल रही है। ये जो आप यहाँ पे क्लियरली दिख रहा हो, ये जो गैप था ये फिलअप हो गया, ये जो गैप है ये फिल होने की तैयारी हो रही है। अब यहाँ पे 24823 पे क्लोजिंग दिया है, हाई देखिए इसका 25,000, ऊपर का वीक को देखिए 25,064 के आसपास का है। तो अगर 200 पॉइंट का रैली यहाँ से आ जाती है, गैप अप के बाद ही आ जाएगी, तो इजिली ये अचीव हो जाएगा। लेकिन यहाँ सस्टेन करना जरूरी है, सस्टेन अगर नहीं करता है तब आपको यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे 24823 पे जो क्लोजिंग दिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल अगर बनाती है जिस तरह से दिख रहा है कि निफ्टी और उसका हाई को तोड़ता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो ये लेवल इजिली अचीव हो जाएगा। 25,000 जो लेवल है 66 का लेवल, ये तुरंत अचीव भी हो जाएगा और इसके ऊपर भी सस्टेन अगर करता है तो ऊपर भी जा सकते हैं, 25,500 का भी तैयारी निफ्टी कर सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 24823 का, तो नीचे की ओर गिरावट पॉसिबल है और फिर 24666 जो इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है यहाँ तक आ सकता है और इसके नीचे भी फिसल सकता है। अगर गिरावट तेजी से और ज़्यादा होती है तो 24650 तक भी हम जा सकते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आते हैं, चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे ये इस तरह का तैयारी यहाँ कर रहा है, किस तरह से 24831 में जो क्लोजिंग दिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग दिया है और यहाँ देखिए दिन भर कारोबार ना के बराबरी हुआ है, फ्लैट कारोबार हुआ है और इसका जो तैयारी 25,000 का है वो 25,000 का तैयारी के लिए निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। अभी 25,000 का देखिए किस तरह से 25,000 का तैयारी इसको अचीव करता है। फिलहाल जो ये जो क्लोजिंग दिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग दिया है, 24831 जो इसका लाइफ टाइम
हाय की ओर ही बढ़ने की तैयारी है। इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सस्टेन कर जाती है, तो इसका लाइफ टाइम हाई 25,066 जो है ये अचीव हो जाएगा और इसके ऊपर 25,500 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ से अगर नेगेटिव कैंडल बनती है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन अगर आता है तो रिजेक्शन काफ़ी हेवी आ सकती है और ये रिजेक्शन नीचे की ओर 24,740 की ओर नीचे दिख रहा है कि यहाँ तक सस्टेन करने की कोशिश करेगा, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और अगर इसको भी तोड़ता है तो 24,655 भी देखने को मिल सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है वीकली चार्ट में, आइए समझने की कोशिश कर लेते हैं। वीकली चार्ट में इसको ओपन करते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा किस तरह से वीकली चार्ट में ये कहना चाह रहा है। तो ये 50,933 के आसपास क्लोजिंग दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी भी अपने आप को अच्छा लेवल पे ये क्लोजिंग दिया है। अब जो 50,931 इसका लाइफ टाइम हाई है 53,000, तो मात्र 2000 पॉइंट का निफ्टी में बाकी है अपना लाइफ टाइम दूरी से। तो 50,931-33 के आसपास जो क्लोजिंग दिया है यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को तोड़ता है तो इसका जो रैली है टुवार्ड्स ये बढ़ सकता है 51,591 की ओर, 51,591 की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से नेगेटिव कैंडल बनता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तब एक सेलिंग आ सकती है और ये सेलिंग नीचे की ओर देखिए 48,000 का लेवल भी दिखा सकता है अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है तो 48,700 पहले ये 50,000 का लेवल अचानक 48,000 नहीं आएगा, पहले 50,000 का लेवल तक ये फिसल सकता है अगर रिजेक्शन आती है तो 50,000 का लेवल इजली यहाँ देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये देखिए बड़ी रैली अचानक से बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट का रैली डाउन या अपसाइड पड़ करना कोई बड़ा चीज नहीं होती है, तो ये 50,000 का लेवल नीचे की ओर दिख सकता है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम में, देखेंगे और चीज़ें क्लियर तरीके से क्या लेवल दिख के आ रहा है। 50,933 का जो लेवल है यहाँ दिख रहा है क्लियरली, डोजी कैंडल बनाया है। और डोजी कैंडल क्यों बनता है हमने कई वीडियो में डिस्कस किया है कि जब मार्केट में बायर और सेलर में कन्फ्यूजन रहता है तब डोजी बनता है, तो यहाँ पर डोजी बना हुआ है। 50,933 पे क्लोजिंग दिया है फिलहाल, 50,933 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ देता है तब एक तेजी देखने को मिल सकता है और ये तेजी ऊपर की ओर जा सकती है 51,715 की ओर। यहाँ पे एटलीस्ट 30 मिनट्स का कैंडल बनाता है, उसका हाई को तोड़ता है तभी ये पॉसिबल है। अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तब नीचे गिरावट भी देखने को मिल सकती है, इसका जो लो है ये लो की ओर बढ़ सकता है 50,300 की ओर और नीचे जैसा वीडियो की स्टार्टिंग में बोलने 50,000 की ओर बढ़ सकता है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। 50,966 पे ये जो क्लोजिंग दिया है यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं, ये दिन भर कारोबार फ्लैट कारोबार हुआ है। 50,961 के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके हाई को तोड़ता है तो एक तेजी देखने को मिल सकती है और ये तेजी ऊपर की ओर 51,100 की ओर भी हम बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बन जाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है तो गिरावट पॉसिबल है और ये गिरावट नीचे की ओर देखिए निफ्टी को ला सकता है 50,818 पर नीचे की ओर, इसके नीचे 50,500 तक देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पर ट्रेड लेना अच्छा रिजल्ट बैठेगा। निफ्टी में भी यही कहानी है, अगर आधे घंटे के कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, अगर 75 पॉइंट से ऊपर का गैप अप या गैप डाउन होता है निफ्टी में तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पर ट्रेड लेना है तो अच्छा रिसीवर्ट बैठेगा। फटाफट आते हैं किस तरह से निफ्टी का पीसीआर बता रहा है। पीसीआर देखिए 1.20 पे आ गया, ये सेलिंग जोन है, ये बाइंग जोन है ही नहीं,
अब यहाँ पे सेलिंग आ सकती है किसी भी लेवल पे, लेकिन मार्केट हाई की ओर बढ़ रहा है तो कब तक हाई तक बढ़ता है ये देखना होगा। 25,066 इसका हाई है, इसका हाई को तोड़ता है कि नहीं ये देखना होगा। हाई को तोड़ता है और सस्टेन करता है तो 25,500 का साइकोलॉजिकल लेवल होगा जहाँ निफ्टी जाने की तैयारी कर सकता है। इंडिया भी देखिए 13.55 पे आए, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, केवल PCR में गड़बड़ है कि ये जो ऊपर की ओर बढ़ गया है। अब आते हैं कि किस तरह से ऑप्शन चेन बताना चाह रहा है अपने आप को, कहाँ पे रेसिस्टेंस दिख रहा है ऑप्शन चेन के आंकड़े से, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा OI कहाँ पे खड़ा है, और ये 25,000 के लेवल पे देखिए 253,000 कॉन्ट्रैक्ट है जो सबसे ज़्यादा OI लेके यहाँ पे खड़ा है। 26,000 में 266,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है यहाँ पे खड़ा है, तो 26,000 जाने की तैयारी निफ्टी दिख रहा है कि रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। 266,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दिख रहा है। पुट ऑप्शन डाटा में अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा OI कहाँ खड़ा है तो 24,800 पे, 24,800 पे देखिए 245,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़ा है, यानी 245,000 ये एक सपोर्ट और 26,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये दिख रहा है क्लियरली। अब आते हैं ऑप्शन का हो गया, बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी का क्या अपने आप को तैयार कर रहा है, कहाँ पे अपने आप को सपोर्ट रेजिस्टेंस तैयारी कर रहा है, कहाँ पे कॉल ऑप्शन में सबसे ज़्यादा हुआ है खड़ा है। 51,000 पे 206,000 कॉन्ट्रैक्ट है और वहीं पे, तो एक उसके बाद कहीं भी सबसे ज़्यादा OI नहीं खड़ा है, यानी 51,000 जाने की तैयारी कर रहा है बैंक निफ्टी, और ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और 51,000 पे देखिए सबसे ज़्यादा पुट का भी ओपन इंटरेस्ट है 1,43,000, यानी 51,000 जाने की काफ़ी संभावना है मार्केट में, बैंक निफ्टी अपने आप को तैयार करेगा। गैप निफ्टी जैसा भी डिस्कस किए 100 पॉइंट का दिखा रहा है कि गैप अप खुलेंगे, हालांकि गैप निफ्टी व्यवहार होती है, कभी कुछ दिखाती है, लेकिन अमेरिकन मार्केट में तेजी है उसी के चलते काफ़ी चांसेस है कि मार्केट गैप अप खुलेगा 100 पॉइंट। S&P 5634 पे बंद हुआ, 63 पॉइंट बढ़ा है। NASDAQ में 258 पॉइंट का रैली है। CAC सारे मार्केट में तेजी है और इसी का नतीजा है कि गैप निफ्टी ऊपर दिखा रहा है, हो सकता है हम गैप अप खुलेंगे। कैसा लगा जानकारी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।